जैसलमेर में गलत युवती से गैंगरेप का मामला बड़ा सामने आया है और युवती ने आरोप लगाया है कि गांव के जैसलमेर लाकर 5 युवकों ने उसके साथ जो है गैंगरेप किया। युवती ने जैसलमेर महिला थाने में एट्रोसिटी गैंग और संगीन धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। और फिलहाल आपको बता दें कि गौरतलब है कि 2 सितंबर को नशे की हालत में युवती को सड़क पर छोड़ने के मामले में नया मोड़ सामने आ चुका है। जानकारी के अनुसार युवती के पिता और भाई जैसलमेर आने के बाद जो है युवती ने 5 युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट पेश की है, जिस पर महिला थाना जैसलमेर में गैंगरेप और अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिसकी जांच पुलिस उप अधीक्षक राजेश शर्मा द्वारा लगातार की जा रही है और पीड़ित दलित युवती को फिलहाल वन स्टॉप सखी सेंटर में रखा गया है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दलित युवती के बयान भी होंगे। और आपको ये भी बता दें कि जैसलमेर के चांदन गांव में 2 सितंबर को शाम 7 बजे नशे की हालत में एक युवती पुलिस को मिली और जिसे अत्यधिक नशे की हालत में पुलिस थाना सदर द्वारा जैसलमेर जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर युवती का मेडिकल मुआयना करवाया गया और इसके अलावा पुलिस द्वारा बयान लेने की कोशिश भी की गई, मगर अत्यधिक नशे में होने के कारण उसे स्टॉप सखी सेंटर को सुपुर्द किया गया, जिसके बाद आज युवती ने महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है और उसमें युवती द्वारा 28 अगस्त को उसके साथ जैसलमेर शहर में लाकर 5 युवकों द्वारा गैंगरेप करना बताया जा रहा है। तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिस समय युवती को लाया गया उस समय शराब के नशे में थी वे और पुलिस सुरक्षा के साथ उसे रात्रि में सखी सेंटर रखा गया और काउंसलिंग कर युवती को अल सुबह पूछा गया, तब बताया 2 तारीख को अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर घूमने आई थी और गाड़ी में शराब का सेवन किया, फिर दोस्तों ने उसे गाड़ी में चांदन क्षेत्र में छोड़ दिया और बच्ची के परिजनों को जैसलमेर बुलाया गया और परिजनों की मौजूदगी में काउंसलिंग भी की गई। तब युवती ने बताया कि 28 तारीख को 5 युवकों के खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया है और जिस पर 4 युवकों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है और एक अन्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की मॉनिटरिंग में मामले को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति मामले में गंभीरता से लेकर अब जांच कर रही है। बाहरी जिले की रहने वाली है, उसके परिजनों से संपर्क करके उनको बुलाया गया। आज उसके परिजन यहाँ पे आए और उसके पिताजी और उसके भाई से बातचीत करने के बाद में परिवादिया ने हमें एक रिपोर्ट दी और परिवादिया ने ये बताया कि 28 तारीख को उसके साथ गैंग रेप की घटना हुई है, जिसमें 5 लोगों के नामजद उसने नाम लिखे कि 5 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप की घटना यहाँ जैसलमेर में कारित करी है और पुलिस की तरफ से इसके अंदर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें गैंगरेप और एसटीएससी की धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश एडिशनल एसपी सिटी राजेश जी द्वारा की जा रही है और इसके अंदर हमने तुरंत कार्यवाही करते हुए जो 5 नामजद मुलजिम हैं उनमें से 4 को डिटेन भी कर लिया है, 5वें की भी तलाश जारी है और उसमें अनुसंधान किया जा रहा है और रेगुलर हमारे आईजी सर और एसपी साहब के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। परिवार ने ये बताया कि 28 तारीख को वो एक लड़के के साथ में गाड़ी में आई थी यहाँ जैसलमेर और उसके बाद बाकी लड़कों ने भी ज्वाइन किया और वो उसको कहीं किसी जगह पे लेकर गए और फिर उसके साथ में ऐसी घटनाक्रम हुई है। अब इसके ऊपर और अनुसंधान करके इसकी बारीकियों का पता लगाया जाएगा कि क्या घटनाक्रम हुआ। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, वो मैं दोनों के लिए ही कहना चाहूँगी, पेरेंट्स के लिए भी ये कि जैसे इस वाले केस में है कि बच्ची बाहरी जिले की है और यहाँ पे वो एक रेंटेड घर में अकेली रहती है, तो ऐसे स्थिति में पेरेंट्स को भी अपनी बच्चियों पे या अपनी लड़कियों पे ध्यान देना चाहिए टाइम टू टाइम कि वो कब क्या कर रही है, प्लस लड़कियों को भी ये ध्यान रहना चाहिए कि वो किसी की गलत संगत में ना आए और स्पेशली ऐसी संगत में जहाँ शराब का सेवन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है ऐसी संगत में नहीं आए, खुद भी एक्टिव रहें और ऐसी कोई भी बात हो तो तुरंत वो 100 नंबर डायल करके 1090 1098 नंबर डायल करके वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है। प्लस जैसे इसमें भी पब्लिक ने अच्छी भूमिका निभाई, जैसे पब्लिक ने हमें इन्फॉर्म किया था उसी टाइम पुलिस तुरंत वहाँ चली गई, नहीं तो हो सकता है कि ऐसी हालत में बच्ची के साथ कोई भी किसी भी तरह की घटना कारित कर देता, इसलिए पब्लिक ने भी इसमें अच्छा सपोर्ट किया था। तो पब्लिक भी अगर ऐसी कोई वारदात होते हुए देखते हैं या उनको लगता है कि नहीं कोई संदिग्ध लड़का है या संदिग्ध लड़की है तो ऐसे स्थिति में उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जो 28 तारीख
28 तारीख की घटना अभी आज हमारे सामने आई है, जब परिवादिया ने हमें रिपोर्ट दी है। जब 2 तारीख को बच्चे को सखी सेंटर लाया गया था हॉस्पिटल के बाद में, उससे पूछताछ करी गई थी, उसके बयान लिए गए थे, तब बच्चे ने रिपोर्ट भी दी थी, उसके वीडियोग्राफ के बयान भी थे। तब बच्चे ने बताया था कि 2 तारीख को वो खुद अपनी मर्जी से अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। उस टाइम 28 तारीख की घटना का कोई भी जिक्र उसने नहीं किया था, अपने साथ किसी भी तरह की गलत बात होना उसने नहीं बताया था। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी तौर पे जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आए थे, हमने उसको सखी सेंटर में रखा, उसकी ओर काउंसलिंग करी ताकि अगर ऐसी कोई बात हो तो हमारे सामने आ सके। वो फाइनली आज बच्चे ने हमें जब रिपोर्ट दी तब हमारे सामने आई है।